हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। हाफ जो हम लोगों ने छोड़ा था, एनसीईआरटी का सोल्यूशन हम लोग कर रहे थे। क्वेश्चन जो पीछे बुक में दे रखा है, हम लोग वो सॉल्व कर रहे थे, जिसका हाफ पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था और बाकी मैं अभी बताने वाली हूँ। एक बात याद रखिएगा कि जैसे हम लोग सीरीज़ में जा रहे हैं, तो अगर बीच में आपको लगे कि कोई नंबर मिसिंग है, मतलब कि कोई क्वेश्चन मिसिंग है, तो आप एक बार मैं बुक खोल के ज़रूर देखिएगा कि वो क्वेश्चन या तो रिपीटेड होगा या फिर वो दो तरीके से एक ही क्वेश्चन पूछ देते ना, उस टाइप का होगा। तो मैं अभी ऐसा जो है दो तीन क्वेश्चन आएगा भी जो कि रिपीटेड है, या फिर जो मेरे वीडियो लेक्चर में आपको उसका आंसर मिल जाएगा आराम से, एकदम टू द पॉइंट आंसर मिलेगा। जिसका टू द पॉइंट आंसर नहीं मिलेगा, जिसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के तब बनाना होगा नोट्स, वो सब मैं बता रही हूँ ताकि आपका टाइम बचे। लेकिन आप ऐसा मत करना कि इसको रट जाना, समझ के ही पढ़ना। तो अब हम लोग देखने वाले हैं जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू रिएक्शन दैट शो द एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, कंपेयर एसिडिटी ऑफ फिनॉल विद दैट ऑफ इथेनॉल। तो पूछ रहा है कि आपको फिनॉल और इथेनॉल में एसिडिटी बतानी है और दोनों में से कंपेयर करना है कि कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो ये भी मैंने कराया हुआ है वीडियो में, आपको इसका भी आंसर मिलेगा। लेकिन मैं फिर भी बताती हूँ कि अगर आप फिनॉल का रिएक्शन सोडियम के साथ, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ करवाओगे, तो वो हाइड्रोजन गैस लिब्रेट करेगा सोडियम फिनॉक्साइड बना के, जिसके जो इसकी एसिडिटी को दिखाता है। अगर आप NaOH के साथ कराओगे तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना के वाटर रिलीज़ करेगा। लेकिन इथेनॉल जो होता है वो फिनॉल से लेस एसिडिक होता है। इसका रीज़न ये है कि जब फिनॉल में से फिनॉक्साइड आयन बनाता है, वो मतलब एच प्लस भगा के फिनॉक्साइड आयन बनाता है, तो वो रेजोनेंस उसमें स्टेबलाइज हो जाता है उसके स्ट्रक्चर में। लेकिन इथॉक्साइड आयन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होता, जिसके कारण उसकी जो एसिडिक नेचर है वो कम हो जाती है फिनॉल से। ठीक है, आपको ये दो रिएक्शन वीडियो लेक्चर में मिलेगा, पर आप लोग इसको याद भी कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आपसे पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और ये NCERT से ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, 11.15 है। एक्सप्लेन वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ये होता है, तो यहाँ पे NO2 का क्या लग रहा है, माइनस आई इफेक्ट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है। माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो जब लगता है किसी ग्रुप का, तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है यहाँ पे कम हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी यहाँ पे। और एसिडिक स्ट्रेंथ वहीं अच्छा होगा अगर, जैसे कि कोई भी कंपाउंड दिया हुआ है, अगर उससे कोई ऐसा ग्रुप आप लगा दो जो कि उससे लगातार इलेक्ट्रॉन खींचे, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। यहाँ पे जो आपको सेकंड, ये तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की बात हो गई कि NO2 लगा है जिसका माइनस आई इफेक्ट लग रहा है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन इससे खींच रहा है, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और ये यहाँ से इसका प्रोटोनेशन मतलब H+ का निकलना ईजी हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, तो इसकी एसिडिक नेचर एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन अगर आप देखोगे कि ऑर्थोमिथॉक्सीफिनॉल के साथ अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे जो इसका है प्लस आई लग रहा है, प्लस आई लग रहा है मींस कि इस पे इलेक्ट्रॉन, इस पे ये जो है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इलेक्ट्रॉन को दे रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे H+ का निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा हम लोग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोलेंगे कि ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। समझ में आ गया होगा आपको रीज़न। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 11.16। एक्सप्लेन हाउ डज OH ग्रुप अटैच टू अ कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग एक्टिवेट इट्स टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। आपसे पूछ रहा है कि किसी बेंजीन रिंग में अगर OH ग्रुप लगा देंगे, तो कैसे वो इसको बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की तरफ, मतलब चाहेगा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ही करे। तो बेंजीन रिंग पहले जो इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, मैं ये बहुत बार बता चुकी हूँ, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो OH जो है प्लस आई इफेक्ट देता है, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लगातार देता रहता है, जिस भी चीज़ से लगेगा, जिस भी कंपाउंड से लगेगा, उस पर लगातार इलेक्ट्रॉन देता रहेगा, जिसके कारण वहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हो जाएगा बेंजीन रिंग पर। अब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो कोई जो इलेक्ट्रोफाइल होगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वो क्या चाहेगा कि उसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए इलेक्ट्रोफाइल को, तो वही आराम से अटैक करना चाहेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ये ऐसे ही जगह अटैक करेगा ना जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो, तो OH के प्लस आई के कारण यहाँ पे बेंजीन रिंग पे OH ये जो है इलेक्ट्रॉन से भरपूर हो जाता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल इस पर आराम से अटैक करता है। मेनली जो होता है ये ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे होता है।
अब आ गया है क्वेश्चन नंबर 11.17, जिसमें आपको इक्वेशन देना है। वर्ड्स में आपको प्रॉब्लम दिए गए हैं, आप उसको इक्वेशन दे के लिखना है। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1 ऑल विद एल्केलाइन के MnO4 सॉल्यूशन। तो प्रोपेन 1 ऑल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर बनाना होगा CH3CH2CH2H। अब एल्केलाइन के MnO4 के साथ इसकी ऑक्सीडेशन करानी है। अगर आप यहाँ पे सीधे ऑक्सीडेशन रहता एल्केलाइन के MnO4 नहीं देके कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहता तो ये जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है एल्कोहल, और एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट होता है एल्कोहल, एल्डिहाइड कीटोन में, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जिसके कारण यहाँ पे तो पहले CH3CH2COOK यहाँ का K आ जाएगा यहाँ पे, और इस फिर इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेन वन ऑल को हम लोग ऑक्सीडाइज करेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड, मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेगा। क्योंकि आपको पता है, मैंने ये वीडियो लेक्चर में भी बताया है जब एक्सरसाइज चैप्टर पढ़ाने के दौरान, कि अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करते हो अल्कोहल के टाइम, तो वो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। अब है ब्रोमीन इन CH2 विथ फिनॉल। अगर आप ब्रोमीन CH2 लोगे और फिनॉल के साथ उसकी रिएक्शन करवाओगे, ब्रोमिनेशन करवाओगे, तो ऑर्थोब्रोमोफिनॉल और पैराब्रोमोफिनॉल बनेगा। ऑर्थोब्रोमोफिनॉल माइनर प्रोडक्ट होगा और पैराब्रोमोफिनॉल जो होगा मेजर प्रोडक्ट होगा। ये भी सेम वीडियो वाला ही है, यहाँ पे जो BR है वो जाके अटैच हो जाएगा। फिर यहाँ पे डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड विद फिनॉल, ये भी सेम जो मैंने वीडियो में आपको बताया हुआ है पढ़ाते टाइम चैप्टर के टाइम, यहाँ पे अल्कोहल ले रहे हैं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 होता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यहाँ पे कौन सा ग्रुप अटैच होगा, NO2, तो एक ऑर्थो और एक पैरा, पर ये मेजर होगा क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इसमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड जो होगा इंटरमोलिकुलर होगा, इसमें इंट्रा मोलिकुलर होगा। अब है ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NOH। तो ये तो फिर रीमल टीमल रिएक्शन है, कि अगर आपको देखिए यहाँ पे आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था कि आप फिनॉल को ट्रीट करते हो क्लोरोफॉर्म में तो आप इसका रिएक्शन का नेम बताओ। तो देखा कितना घुमा फिरा के पूछा, डायरेक्ट रीमन टीमन रिएक्शन ना पूछ के सीधे आपसे पूछ रहा है कि ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म। तो फिनॉल लेंगे, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3 NaOH के प्रेजेंस में 340 केल्विन, याद रखना होगा क्या चाहिए रीमन टीमन में रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे OHCHO बनेगा और फिर उसके जो प्रोडक्ट होगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए 11.18 जो क्वेश्चन है उसमें डायरेक्ट आपको जो बुक में पूछ रखा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कोल्ड बेस्ड रिएक्शन, रीमल टीमल, विलियम्स एंड इथर सिंथेसिस, अनसिमेट्रिकल इथर। तो ये जो है सारा जो है टू द पॉइंट आपको कितना लिखना है वो सब मेरे वीडियो में है, चैप्टर में, चैप्टर वाला वीडियो जो है उसमें सब मिलेगा आपको, तो आप वहाँ पर ये देख सकते हैं। अब पूछ रहा है 11.19, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल टू इथीन। आपको है ये बताना है कि कैसे एसिड डिहाइड्रेशन से, मतलब एसिड वाटर के लॉस से C2H5OH जो है इथीन बनाएगा। तो पहले तो इसका मैकेनिज्म में फर्स्ट स्टेप जो है आपको इथाइल अल्कोहल बनाना है, फिर इसके यहाँ पे H+ के साथ इसका मतलब प्रोटोनेशन करवाना है, तो यहाँ पे जो लोन पेयर होगा इसका, इसके साथ ये अटैक करेगा तो ये OP+ आएगा, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर एक डोनेट किया, HH आ जाएगा, तो इसको हम लोग प्रोटोनेटेड इथेनॉल बोलेंगे। अब इस प्रोटोनेटेड इथेनॉल में आपको ये जो है कार्बोकटैन बनाना है, तो ये कार्बोकटैन बनेगा CH3CH2++H2O, क्योंकि ये जो है निकल जाएगा, H2O जो हो निकल जाएगा और ये इथाइल कार्बोकटैन बन जाएगा। यहाँ पे प्लस चार्ज इसीलिए आएगा क्योंकि ये दोनों निकला है यहाँ से, तो इसका बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस इथाइल कार्बोकटैन की अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो वो डायरेक्ट जो है वो इथीन में, सॉरी हाइड्रोलिसिस नहीं, अब इस कार्बोकटैन का आपको फिर वही मार्कोनिक ऑफ रूल के तौर पे ध्यान देना है कि किधर से आप डबल बॉन्ड लगाओ कि स्टेबल प्रोडक्ट बने। तो ये प्लस चार्ज इस पे है तो आपको यही लगाना होगा, तो इन दोनों के बीच में लगेगा तो ये इथीन बन जाएगा। अब आता है हाउ दिस कन्वर्जन इज़ कैरिड आउट। तो प्रोपीन से आपको प्रोपेन टू ऑल बनाना है, तो पहले तो प्रोपीन की स्ट्रक्चर बनानी होगी, तो उस तीन कार्बन का होता है ईन है तो फर्स्ट पे लगेगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ करवाना है, तो कंसनट्रेटेड H2SO4 में जो निकल के आएगा वो आएगा OSO3H। तो OSO3H कहाँ लगेगा, यहाँ बीच में, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कहीं पर लगाना है, तो ये तो अगर इसका बॉन्ड तोड़ते हो, इस पर लगाओगे तो इस पर पॉजिटिव चार्ज लाओगे तो ये 1 डिग्री कार्बोकटैन बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो 2 डिग्री कार्बोकटैन बनेगा। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, 2 डिग्री कार्बोकटैन वाला, जिसके कारण यहाँ पे OSO3H आ जाएगा,
अब इसकी रिएक्शन आप वाटर के साथ करवाओ ताकि जो हम लोगों को OH लाना है वो ला सके हम लोग। तो यहाँ पे OSO3H हटेगा और OH आएगा और H2SO4 निकल जाएगा। यहाँ से जो है SO3 निकलेगा और ये H2O मिलके H2SO4 बना देगा। अब आता है बेंजाइल क्लोराइड को बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो बेंजाइल क्लोराइड यही होता है बेंजीन से CH2Cl लगा हुआ। अब इसका NaOH के साथ अगर आप रिएक्शन करवाओगे हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो आपको डायरेक्ट बेंजाइल अल्कोहल मिलेगा और ये Cl और Na जो है आउट हो जाएगा। मतलब कि CH2Cl में OH यहाँ चला जाएगा, आपको बेंजाइल अल्कोहल मिल जाएगा और Cl Na कम्बाइन करके NaCl बना लेगा। अब आता है नेक्स्ट इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड टू प्रोपेन वनॉल। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से आपको बनाना है प्रोपेन वनॉल। तो यहाँ पे तो पहले आपको लेना पड़ेगा इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैंने इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड यहाँ पे ले लिया है। अब आपको यहाँ पे इसकी रिएक्शन जो है करवानी होगी इससे, जिसके बाद ड्राई इथर के प्रेजेंस में तो आपको मिलेगा CH3CH2CH2CH3CH2 और इसका CH2 फिर OMgCl, जैसे कि होता है कंबाइंड रिएक्शन हो जाता है, मतलब दोनों प्रोडक्ट कंबाइन कर जाते हैं। तो CH3CH2 और CH3CH2CH2 यहाँ वाला और फिर OMgCl, ये जो होगा O और MgCl कंबाइन कर जाएंगे। फिर इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करवा लो, अल्कोहल मिल जाएगा और MgOHCl अलग हो जाएगा, ये मैंने बता रखा है वीडियो में। उसके बाद है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2-methyl propane 2-ol बनाना है। तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से, तो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ये हो गया। अब आप इसकी रिएक्शन इससे करवा दो, उसके बाद ड्राई इथर के प्रेजेंस में, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी होगा, CH3CH3C, ये वाला CH3 यहाँ आ जाएगा जैसे आया है और OMgBr यहाँ इससे हो जाएगा। याद रखिएगा कि डबल बॉन्ड हो और ये दोनों जो होगा एक साथ आ जाएगा, बाकी एक साथ आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये OMgBr जहाँ से हटेगा वहाँ पे अल्कोहल आके अटैच हो जाएगा और बाकी MgOHBr साइड प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिल जाएगा। अब है नेम द रिएजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएजेंट का नाम बताना है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड से डायरेक्ट अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट, मतलब K2Cr2O7, उसके बाद इस मतलब डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में। अब आता है सेकंड ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एन एल्डिहाइड। अब सिर्फ एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है अल्कोहल को, कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके नहीं जाना। तो थोड़ा कमज़ोर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, तो जैसे कि PCC। अब थर्ड है ब्रोमिनेशन ऑफ अल्कोहल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो Br2 अगर वाटर में लेते हैं तो आपको याद होगा कि ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है। तो अगर आप ऐसे लोगे Br2 तो इस ये प्रोडक्ट बनता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अब है बेंजाइल अल्कोहल टू बेंजोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल को एसिड में करना है, तो अल्कोहल को एसिड में करना हो तो आप याद रखिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे, जैसे कि यहाँ पे भी हम लोग K2Cr2O7 लेंगे और उसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन। तो यहाँ पे आपको जो है ये जो आपको मैंने बताया था कि कितना परसेंट H2SO4 कितना टेम्परेचर, ये डिपेंड करता है जब हम लोग अल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं तो उसी में का पार्ट है ये। तो डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोपेन टू ऑल टू प्रोपीन 25% H2SO4 एट 440 केल्विन। उसके बाद है ब्यूटेन टू ऑल। तो इसमें निकेल या फिर NaBH4 लिथियम, मतलब इसका क्या करवाना है आपको, ये रिडक्शन करवाना है तो आप कुछ भी ले लो, रिड्यूसिंग एजेंट ले लो। उसके बाद आता है 11.22 गिव द रीज़न फॉर द हायर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ C2H5 इन कंपैरिजन टू मिथॉक्सीमिथेन। तो इथाइल अल्कोहल में इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है लेकिन मिथॉक्सीमिथेन में ऐसा नहीं होता, जिसके कारण इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है। अब इसकी IUPAC नेम लिखना है, जो दिए गए इथर है तो इसका IUPAC नेम क्या होगा, 1-ethoxy 2-methyl और कितने कार्बन, 1, 2, 3, 4 प्रोपेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप जिधर से फंक्शनल ग्रुप कम नज़दीक पर है उधर से करो 1-2, तो 2-chloro-1-methoxy-ethane, यहाँ पे 4-nitro-anisole, यहाँ पे इस टाइप का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो उसके बाद फिर है यहाँ पे इसका क्या होगा, 1-methoxy-1-methoxy-propane 3 कार्बन। अब यहाँ पे देखिए 4-ethoxy और 1-pyridymethylcyclohexane इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी यही हुआ इथॉक्सी बेंजीन। अब 11.24 आता है क्वेश्चन,
write the name of reagents and equation for the preparation of following ether by Williamson synthesis. आपको Williamson synthesis के through बनाना है. तो one propoxy propane मतलब कि कैसे अब आप इसको Williamson synthesis करवाओगे, तो पहले तो आपको ये लेना होगा CH3CH2O-Na+. उसके बाद इसकी reaction आपको CH3CH2CH2Br के साथ करवा दो, SN2 reaction, और वही आप इथर बना सकते हो CH3CH2, और ये सब कंबाइन हो जाएगा और 1-propoxy-propane बना देगा. ठीक है, बस आपको रिएजेंट याद रखना है कि आप क्या लेने वाले हो, इन दोनों को कंबाइन करके ये बनेगा. फिर आता है इथॉक्सी बेंजीन कैसे बनाओगे, तो आप O- फिनॉक्साइड ले लो, इसकी रिएक्शन आप इसके साथ इथाइल ब्रोमाइड के साथ करवा दो, ये SN2 रिएक्शन है, हीट कर दो थोड़ा सा, तो ये CH3CH2 यहाँ के अटैच हो जाएगा, तो क्या बना, इथॉक्सी बन गया, और इथॉक्सी बेंजीन हो गया और NaBr साइड हो गया. फिर आपको बनाना है 2-methoxy-2-methylpropane, तो इसका भी बहुत 3 डिग्री कोई ले लो सोडियम, और फिर O-Na+ लेके कोई 1 डिग्री के साथ करवा दो, तो आपको आराम से यहाँ पे OCH3 जो है वो आराम से लग जाएगा इसमें, और NaBr साइड प्रोडक्ट बन जाएगा. तो ये सब बहुत आसान होता है, लेकिन बस आपको एक बार जो अभी जैसे मैंने बता दिया, तो आपको खुद से एक बार ट्राई करना होगा कि कैसे हो रहा है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको छोड़ नहीं सकते. हाउ इज़ 1-propoxy-propane सिंथेसाइज फ्रॉम दी प्रोपेन 1-ol, तो इसमें कैसे आपको 1-propoxy-propane, अभी ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन था propoxy-propane, देखिए क्वेश्चन से ही कैसे पता चल गया आंसर, कि आपको यहाँ पे 1-propoxy-propane बनाना था विलियमसन सिंथेसिस से, और यहाँ पे जो बोल रहा है कि आपको बोल पूछ रहा है कि कैसे कि कैसे बनेगा, तो आपको अगर वो रिएक्शन याद रहा तो ये आराम से बन जाएगा कि वहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस हुआ था propoxy-propane को बनाने में, तो यहाँ भी वही होगा, तो यहाँ पे भी मैंने वही करा दिया है, बस सेम रिएक्शन है, देख लीजिए PBr2 के साथ यहाँ पे कराया, यहाँ पे 2Na के साथ करवाया. अब राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन विद HI, 1-propoxy-propane आपको HI के साथ रिएक्शन करवाना है. ठीक है, तो 1-propoxy, तो कैसे बनेगा 1-propoxy, तो फिर सेम वही चीज़ जो कि आप एक के साथ अल्कोहल लगा दोगे और एक के साथ आयोडाइड लगा दोगे. फिर मिथॉक्सी बेंजीन है, तो OCH3 के साथ HI अगर आप करोगे तो अल्कोहल बनेगा और CH3 के साथ I लग जाएगा, क्योंकि फिनॉल के साथ OH जाता है, सॉरी बेंजीन रिंग के साथ OH जाता है. अब है बेंजाइल इथाइल ईथर के लिए बेंजाइल इथाइल ईथर बना लिया, अब HI किया, अब जो छोटा ग्रुप होता है उसके साथ हम लोग अल्काइल लगा देंगे, और जो थोड़ा सा मतलब इथाइल वाले के साथ हम लोग अल्कोहल लगा देंगे. उसके बाद है हाउ वुड यू सिंथेसाइज दी फॉलोइंग एल्कोहल्स फ्रॉम एल्कीन, तो ये जो अल्कोहल दिया है इससे आपको H2O निकालना होगा तभी एल्कीन बनेगा. तो अगर आप यहाँ, तो आप कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे एक बनेगा फिर यहाँ से हटेगा, तो और नहीं तो एक यहाँ से अगर आप H2O हटाते हो तो एक यहाँ पर बनेगा. उसी तरीके से यहाँ पे है कि अगर आप यहाँ से हटा रहे हो ये वाला OH और यहाँ से एक H हटाओगे तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा. यहाँ पर अगर इस पे से आपको H2O हटाना है तो एक तो आप OH और एक यहाँ से H हटा सकते हो तो ये बनेगा, और अगर इधर से हटाते हो तो इधर वाला इधर लग जाएगा डबल बॉन्ड. यहाँ पे 3 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, इसको हटा के एक, फिर इधर से हटा के बना सकते हैं, और फिर एक इधर से हटा के बना सकते हैं. तो ये जान, ये कैसे H2O को रिमूवल करना होगा ये आपको जानना ज़रूरी है. तो बस इतना ही था, हम लोगों ने ये चैप्टर अल्कोहल फिनॉल इथर भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया. आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, मैंने थोड़ा जल्दी ये किया है क्योंकि इसमें का जो ज़्यादा पार्ट था, मैक्सिमम पार्ट जो था वो वीडियो में, जो लेक्चर वीडियो के दौरान, मतलब कि जब मैं पढ़ाती हूँ टॉपिक वाइज, उसी टाइम कवर हो चुका था. जैसे कि अभी मैंने ये सब जल्दी जल्दी बता दिया क्योंकि मैंने ये सब बता रखा है कि किस टाइम कम कौन से ग्रुप को हम लोग प्रेफरेंस देंगे, किसके साथ प्रेफरेंस देंगे. तो अभी बस एक बार हम लोगों ने जल्दी जल्दी देख लिया है. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं. और एक लास्ट बात कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे, आप मेरे चैनल ईजी स्टडी क्लासेस पे आ सकते हो. आप वीडियो वहाँ पे आने शुरू हो गए हैं, इंग्लिश के 100 मार्क्स वाले फर्स्ट चैप्टर का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वीडियो मैंने डाल भी दिया है, तो प्लीज़ आप लोग आइए वहाँ पे देखिए, नोट्स भी मिलेंगे आप लोगों को, सब कुछ मिलेगा, वो सब्जेक्ट आपका नंबर बढ़ा सकता है. तो आप लोग चेक कर लीजिए, मेरे चैनल का नाम है ईजी स्टडी क्लासेस, तो वहाँ पर सब कुछ मिलेगा. और जो बच्चे देख चुके हैं वो प्लीज़ अपने फ्रेंड से शेयर कर दीजिए जिनको नहीं अभी तक पता चला है. तो थैंक यू, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ ड्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए. थैंक यू.